जी ये जी ये हमारा मोटिव है, आपको सस्पेंस में ही रखना है, बिकॉज दिस इज सस्पेंस फिल्म. अगर हम आपको अभी फिलहाल कुछ ही बताएंगे तो आई स्वेयर आप लोगों के साथ नाइंसाफी होगी, आप लोगों को पिक्चर देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा. इसलिए वी वॉन्ट यू गाइज टू बी यू नो इन सस्पेंस, बिकॉज दिस मूवी सच स्टार्टिंग से एंड तक आप यू नो यू वुड वॉन्ट टू नो कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. सो फिलहाल हमारा कुछ भी बोलना आपको मज़ा नहीं आएगा. अच्छा, किरदार को लेकर क्या प्रिपरेशन किया? हालांकि किरदार के बारे में नहीं बता सकते, लेकिन प्रिपरेशन कितनी की है, वर्कशॉप कितनी की? प्रिपरेशन तो गॉड, मतलब मुझे तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे बताया गया था कि मैं मूवी कर रही हूँ, तो मेरा टाइमिंग शेड्यूल होता था मॉर्निंग 6 o'clock से रात में 12 बजे मैं अपने होटल पहुँचती थी. एंड प्रिपरेशन में ऐसे था कि सुनील ने हम लोगों का बहुत मेहनत किया हमारे साथ. मैं मॉर्निंग में कार में लोग पिक करने आते थे मॉर्निंग में, एंड यू नो दे स्टार्ट कि नहीं 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 वो एक्चुअली हमारे पीछे उनका हाथ, एक्चुअली ही हैड वर्क सो हार्ड फॉर अस, सो हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस, दैट्स व्हाई. तो पूरे मॉर्निंग में डायलॉग रिहर्सल है कि एवरीथिंग ही यूज्ड टू टेल मी इन कार ओनली, मतलब हम लोग का बहुत जर्नी था 2 hours तक. सुनील का खास बात क्या है, ही हैज अ विजन, ही नोज व्हाट ही वांट्स फ्रॉम हिज एक्टर्स एंड हाउ टू डू इट, ही नोज इट वेरी वेल. इज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, वेरी हार्ड एंड सो मच ऑफ बूस्टिंग पर्सन. नहीं, हो जाएगा. सबसे जो बेस्ट चीज है, जो आप तैयारी पूछ रहे हैं, द थिंग इज इस फिल्म में लॉजिक है, यू नो एवरीथिंग इज जस्टिफाइड. सो यू नो कुछ भी है, कुछ भी हो रहा है फिल्म में, उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ कारण है. सो सुनील वो हमें बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते थे. फॉर एग्जांपल, कभी अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें क्या क्यों कर रहा हूँ ये क्या है, तो मुझे रीज़न बताएगा इसके पीछे ये रीज़न है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज जस्टिफाइड. सो वो एज अ पर्सन इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड फिर वो निकल आता है. सीरियस हम लोग तो बहुत मेहनत, मतलब पूरा दिन हम लोगों का काम रहता था, तो नो डाउट हम इंजॉय सब करते थे. हम करते थे कि ये लोग बहुत नए लोग हैं ना, ये लोग को मस्ती करने का हम इसकी बहुत रैगिंग करते थे, तो इसको मस्ती करने देते नहीं थे. मस्ती एक्चुअली ऐसा होता था, ये लोग मेरी बहुत टांग खींचते थे पूरे सेट पे. हाँ, हमें सिर्फ चुप बैठ के हाँ क्या ऐसा नहीं करते. वेरी थ्रिलर लॉजिकल कॉन्सेप्ट, एंड ऐसी जॉनर की फिल्म आजकल बहुत कम बन रही है. सो द कंटेंट इज द USP एंड द म्यूजिक. म्यूजिक के बारे में मतलब आई वोंट टेल एनीथिंग. मैं चाहता हूँ मैं आप मेरी बात सुनिए नहीं, आप खुद सुनिए. यू बी द जज, यू लिसन टू द म्यूजिक एंड यू डिसाइड, एंड इफ यू डोंट लव इट. यू लव म्यूजिक फॉर श्योर, म्यूजिक इज फैंटास्टिक.